हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? क्या आपको भी नवोदय विद्यालय के बारे में जानने की दिलचस्पी है? क्या आपको भी नवोदय के लिए सपने आते हैं? या आप भी जानना चाहते हैं कि नवोदय विद्यालय के क्लासरूम कैसे होते हैं? एक क्लासरूम में कितने बच्चे बैठते हैं? एक क्लास में कितने पीरियड होते हैं? तो चलिए, मैं आपको आज दिखाने जा रहा हूँ बहुत ही सुंदर क्लासरूम और कैसे उसके अंदर पढ़ाई होती है। तो चलिए मेरे साथ देखते हैं नवोदय की सुंदरता। ग्रुप ऑफ लेटर्स, ओके, ग्रुप ऑफ लेटर्स वेयर गिव्स ए मीनिंग, ओके, इट विल आल्सो हैव टू गिव अ मीनिंग, ओनली देन, यस, कम ऑन। Group of letters with common meaning is called a word. Yes, good. So, which form and meaning, no? Then it is called a word. And what is sentence? What is sentence? Come on. Come on, any one of you. You all are very smart, isn't it? Yes. So? Groups of words that make sense. Okay. Group of words that gives us a complete meaning, huh? Or a sense, okay, is called, okay, so that's meaningful, okay, gives us a complete meaning, okay, group of words that together gives us a complete meaning is called, that is a current, for the key is on, that means यहाँ जो key close होगा, तब क्या होगा? यहाँ से current flow करेगा, okay? यहाँ से current flow करेगा, जब ये key होगा, on होगा, उसके बाद क्या हो रहा है? The current is seen from the points A and the point from the point A and B. A B दे दिया है, अभी A ये है, A B है, क्या एक्सिस जैसे कर लो तो इसके एक्सिस है, कंप्यूटर कॉइल है, उसके बाद क्या हो रहा है? A and B इधर एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज रिस्पेक्टिव है, अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करेंगे तो क्या होगा? द मैग्नेटिक फील्ड, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फ्रॉम द point B to A, the north pole of the resultant magnet is on the face closed. यहाँ पे बोला है कि current क्या हो रहा है कि एक बार clockwise direction में move कर रहा है, एक बार anti-clockwise direction में move कर रहा है, okay? तो magnetic lines of force क्या हो रहा है? From the B to A direction में देखा रहा है कि magnetic lines of force देखा रहा है। वो लोग क्या करते हैं? एक common bilateral form करते हैं, ठीक है? Now the hepatic duct and the cystic duct. The hepatic duct plus cystic duct. अक्सर बच्चे नवोदय विद्यालय में जाने की इच्छा रखते हैं और अपने सपने को पूरा करने के लिए पूरा जोर लगाते हैं, लेकिन नवोदय में हर जिले से केवल 80 बच्चों को ही सिलेक्शन होता है, जिसमें सभी बच्चे दो सेक्शंस में पार्ट दिए जाते हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी। एक क्लासरूम में एक बार में केवल 40 बच्चे ही बैठते हैं। सभी क्लासरूम क्रॉस वेंटिलेटेड और साफ सुथरे होते हैं। एक एकेडमिक टाइम में नवोदय में 7 से 8 पीरियड चलते हैं, जिनका ड्यूरेशन 30 मिनट से 40 मिनट होता है और बीच में 10-15 मिनट का ब्रेक भी दिया जाता है, जिसमें कुछ नवोदय में बच्चों को इस ब्रेक में स्नैक्स खिलाने का भी प्रावधान होता है। सभी नवोदय विद्यालय में स्टाफ रूम के बाहर ये नोटिस बोर्ड होता है और ये हमारा स्टाफ रूम होता है, जहाँ पर स्टाफ जो क्लासरूम को छोड़कर या फिर क्लासरूम से पहले यहाँ आकर बैठते हैं। तो आपको कैसा लगा नवोदय विद्यालय का क्लासरूम, कमेंट करके जरूर बताना। और आगे भी हम नवोदय से जुड़ी ऐसी दिलचस्प बातें
आपको बताते रहेंगे। धन्यवाद।